पारा जंबल जो आता है या रीअरेंजमेंट जिसे कहते हैं, तो एग्ज़ाम में काफ़ी हद तक पॉसिबिलिटी है कि इससे 5 मार्क्स आराम से गेन किया जा सकता है, बशर्ते कि अगर आप इसकी प्रैक्टिस रेगुलर बेसिस पे 1 से 2 भी अगर आप पारा जंबल करते हैं तो आराम से ये पॉसिबल है कि आपका 5 मार्क्स कम 100% आ जाएंगे। ठीक, तो देखिए अब हम पारा जंबल को हम यहाँ पे एक ऐसे ट्रिक से यहाँ पे आपको बताएंगे जो कि आप महज 2 से 3 मिनट के अंदर में, ठीक है, महज 2 से 3 मिनट के अंदर में आप इस पूरे जो है ना आप आराम से इस पारा जंबल को कंप्लीट कर सकते हैं। विद इन 2 और 3 मिनट्स आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे आपको इस तरह के जो 5 स्टेटमेंट मिलेंगे उसमें से आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस ढूंढना होगा या जिसे हम कहते हैं नाउन, है ना, हमें क्या सबसे पहले ढूंढना होगा, नाउन। नाउन के बाद क्या ढूंढना होगा, प्रोनाउन। ठीक, इस तरह से, और उसके बाद सेंटर में जो कनेक्टर वर्ड होते हैं वो आपको ढूंढना होगा। ठीक, उसके बाद आपको, और लास्ट में जो होता है, जैसे लास्ट की अगर हम बात करें, लास्ट में जो होता है कि फाइनली या फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह से जो होते हैं लास्ट में होते हैं, तो मैं स्टार्टिंग में कम से कम आराम से यहाँ पे कम से कम जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड तो आराम से ढूंढ सकते हैं। अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड अगर आप एलिमिनेट कर लें तो फोर्थ फिफ्थ आराम से हो जाता है एलिमिनेट। अब देखिए यहाँ पे करेंगे क्या, सबसे पहले हमें एक बार सेंटेंस को फटाफट पढ़ लेना होता है। ठीक, उसके अनुसार ही आप इसे सेट करते हैं ना। तो करना क्या होता है, देखिए सबसे पहले हम, इट इज़ अकॉर्डिंग टू बुलवाका पीटेट 2004 वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सेलिब्रेटेड ट्रेडिशन ऑफ ह्यूमन काइंड दैट इनेबल दैट एक्सचेंज ऑफ फीलिंग एंड एक्सपीरियंसेस दैट कैन नॉट बी आर्टिकुलेटेड बाई द यूज़ ऑफ कॉमन लैंग्वेज। अब यहाँ पे मैंने सेंटेंस पढ़ लिया, अब यहाँ पे इट से शुरू, इट से कभी सेंटेंस शुरू होगा ही नहीं, इट से सेंटेंस स्टार्ट होगा ही नहीं। ठीक है, ये तो होगा नहीं, ठीक, ये तो होगा नहीं सेंटेंस स्टार्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब फॉर एग्ज़ाम्पल से पहले भी कुछ हुआ होगा जिसकी एग्ज़ाम्पल यहाँ पर दिया जा रहा है, उसके पहले कुछ भी ऐसी घटना, कुछ भी ऐसा इवेंट हुआ होगा जिसका एग्ज़ाम्पल यहाँ पर दिया जा रहा है, ये भी नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, स्टडी कंडक्टेड बाई वेरियस रिसर्चर्स अनकवर्ड दैट अमेरिकन एडोलसेंट डिड नॉट जस्ट लिसन टू म्यूजिक अप्रॉक्सीमेटली 2.5 आवर पर डे रैदर दैन ऑल्सो हाउ दे विगोरसली एम्प्लॉय म्यूजिक टू सेटिस्फाई सोशल इमोशनल एंड डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट्स। तो देखिए यहाँ पर ये भी सेंटेंस नहीं होगा फर्स्ट में। अब देखते हैं, म्यूजिक इज एंड ऑलवेज बीन एन इंटरगल पार्ट ऑफ सोसाइटी। हाँ, यहाँ पे ये जो देख रहे हैं, एक तो आपका एक इंडिपेंडेंट वर्ड भी, सेंटेंस भी है, सेकंड क्या है यहाँ पे, ये नाउन है ना, यहाँ पे आपका नाउन मिल गया, मीन्स कि आपका ये फर्स्ट सेंटेंस यहाँ पे ये आपको मिल गया। ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस आपका मिल गया, यहाँ पे ये हो गया, म्यूजिक इज़ एंड ऑलवेज हैज़ बीन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ सोसाइटी। अगर नाउन मिल गया तो इसके लिए हमें क्या ढूंढना होगा, प्रोनाउन। तो नाउन के बदले यहाँ पे क्या आएगा, प्रोनाउन के रूप में यहाँ पे इट, ये ए वाला जो है, ठीक, पार्ट ए जो है आपका ये होगा सेकंड, क्योंकि यहाँ पे ये नाउन है, ठीक, ये आपका क्या है, नाउन है, तो नाउन का यहाँ पे प्रोनाउन आएगा इट, क्योंकि इट किसके लिए बताया गया है, इसी म्यूज़िक के बारे में बताया गया कि इट इज़ अकॉर्डिंग टू गुलवाका पीटेट 2004 वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सेलिब्रेटेड ट्रेडिशन ऑफ ह्यूमन काइंड दैट इनेबल्स द एक्सचेंज ऑफ फीलिंग। एक्सचेंज ऑफ फीलिंग मीन्स कि यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ फीलिंग हो रहा है, एक्सपीरियंसेस दैट कैन नॉट बी आर्टिकुलेटेड बाई द यूज़ ऑफ कॉमन लैंग्वेज। कोई कॉमन लैंग्वेज की बात नहीं की, म्यूज़िक क्या है, एक फीलिंग है, म्यूज़िक क्या है, एक फीलिंग है जिसे कि फील किया जाता है, उसे एक्सपीरियंसेस से उसे आप किसी लैंग्वेज के माध्यम से उसे आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पर आर्टिकुलेट नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो नाउन के बदले यहाँ पर आपको क्या मिल गया, इसका प्रोनाउन मिल गया। मैंने पहले बताया था कि नाउन के बदले प्रोनाउन उसका आता है यूज़, तो यहाँ पे सेकंड सेंटेंस आपका ये हो गया, ए नंबर पार्ट वाला, ठीक है, ठीक, यहाँ पे ये हो गया। अब आते हैं कि सेकंड जब आपको मिल गया तो थर्ड आपको ढूंढना होगा, थर्ड का किसके लिए होगा, इसी इट के बारे में अब बोला गया यहाँ पे, इटी इट के बारे में यहाँ पे इट्स की बात की गई है, इसी इट के बारे में यहाँ पे इट्स की बात की गई, मीन्स की पॉजिटिव एडजेक्टिव की बात की गई। अगर आपका प्रोनाउन है तो इट के बदले क्या आता है, इट्स आता है, इट का जो होता है पॉजिटिव एडजेक्टिव के रूप में हम क्या करते हैं, इट्स की बात करते हैं। तो मोर ओवर इसके अतिरिक्त इट्स, अब इसी के बारे में बात किया गया कि इसके अतिरिक्त ये तो होता है, ठीक है भाई, ह्यूमन कैन दैट इनेबल्स द एक्सचेंज ऑफ फीलिंग और एक्सपीरियंसेस, इसके माध्यम से, म्यूजिक के माध्यम से जो जो ह्यूमन काइंड है वो अपने क्या करते हैं, फीलिंग को एक्सचेंज कर सकते हैं, एक्सपीरियंसेस को एक्सचेंज कर
कर सकते हैं, बट वहाँ पे आर्टिकुलेट नहीं कर सकते किसी लैंग्वेज के माध्यम से। इसके अलावा क्या होता है भाई, इसके अतिरिक्त जो भी होता है, इसके अलावा जो होता है कि इट्स स्ट्रेंथ इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट इट कैन प्रोवाइड अस विद मीनिंग विदाउट सेइंग एनीथिंग एट ऑल। ठीक, यहाँ पे बात किया गया कि यहाँ पे हमें तो मीनिंग पता चल जाता है, लेकिन बिना कुछ कहे म्यूज़िक एक ऐसा पार्ट है जो कि सिर्फ फीलिंग के माध्यम से वो बता तो देता है सारे कुछ बिना कुछ कहे। ठीक है, ये हो गया आपका थर्ड पार्ट, जो कि मैंने बताया था कि जिस अगर मोर ओवर है, ठीक है, इस तरह का अगर वर्ड आपको दिखे, वो कहीं ना कहीं ये सेंट्रल पार्ट हो रहा है, ये सेंट्रल पार्ट होता है किसी भी यहाँ पे पारसिम्बल के, अधिकतर ये क्या बनता है, सेंट्रल पार्ट होता है। तो यहाँ पे थर्ड आपको मिल गया। अब यहाँ पे फोर्थ ढूंढना है, तो देखिए यहाँ पे फोर एग्जांपल में जान लीजिए कि फोर एग्जांपल से जितने भी सेंटेंस अगर फॉर एग्जांपल हो वो क्या होगा, वो लास्ट का होगा। ठीक, तो यहाँ पे फिफ्थ का ये हो गया, तो अगर ये फिफ्थ का हो गया तो फोर्थ का तो ये हो गया ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे फोर्थ का, यहाँ पे एक और फिर से यहाँ पे पढ़ लीजिए, फोर्थ में क्या था, डेली लाइफ डजंट एग्जिस्ट विदाउट म्यूज़िक, इसी की बात की, इसकी स्ट्रेंथ की बात की गई थी, तो उसी के बारे में बताया जा रहा है, एक कॉन्ट्राडिक्ट कहा जा रहा है कि डेली लाइफ डजंट एग्जिस्ट विदाउट म्यूजिक एंड सिंस एवरी एज ग्रुप विद इन अ सोसाइटी इज एक्सपोज्ड टू इट, इट कम्स टू नो सरप्राइज दैट ईच एज ग्रुप इवेल्यूएट इट्स इम्पॉर्टेंस डिफरेंटली। और इसी इट्स के बारे में बताया गया कि इसकी यहाँ पे इम्पॉर्टेंस जो है, इसकी महत्वता को अलग अलग तरीक़ों से यहाँ पे बताते हैं अलग अलग एज के ग्रुप बिना सरप्राइज हुए। ठीक है, तो यहाँ पे इसी की बात की गई है। तो यहाँ पे डेली लाइफ की बात हो गया कि चलो भाई, कि अगर यहाँ पे बात हो रहा है कि म्यूज़िक जो है क्या है, एक इंटीग्रल पार्ट ऑफ सोसाइटी है, सोसाइटी का इंटीग्रल पार्ट है, और इसकी बात अगर करें तो ये क्या करता है, ये फीलिंग को एक्सचेंज करता है, एक्सपीरियंस एक्सचेंज करता है बिना किसी कॉमन लैंग्वेज को, बिना कुछ कहे। ठीक है, सिर्फ ये मीनिंग तो बताता है, ये हमें मीनिंग बता सकता है, बट यहाँ पे बिना कुछ कहे। और डेली लाइफ की बात अगर हम बात करें यहाँ पे, तो म्यूज़िक क्या है, बिना म्यूज़िक का, ठीक, विदाउट म्यूज़िक सिंस एवरी एज ग्रुप विद इन अ सोसाइटी इज एक्सपोज टू इट, ठीक है, इसके बिना कोई एक्सपोज नहीं कर पाएंगे, इट कम्स टू नो सरप्राइज, ये जानकार ऐसा नहीं होना चाहिए कि इज एज ग्रुप इवेल्यूएट इट्स इम्पॉर्टेंट डिफरेंटली, और इसका हर एज में इसकी महत्वता अलग अलग है। ठीक, अब यहाँ पे इसकी बात होगी, तो फॉर एग्जांपल की इसी के रूप में यहाँ पे एग्जांपल दिया जाए, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल अ स्टडी कंडक्टेड बाय वेरियस रिसर्चेज अनकवर अमेरिकन एडोलसेंट डिड नॉट जस्ट लिसन टू म्यूजिक अप्रॉक्सीमेटली 2.5 hours पर डे रादर दैन ऑल्सो हाउ दे विगोरसली एम्प्लॉय म्यूजिक टू सेटिस्फाई सोशल इमोशनल एंड डेवलपमेंट इक्विपमेंट्स। ठीक, तो यहाँ पे म्यूज़िक क्या कर रहा है, यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है सोशल का, इमोशनल का और डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट्स का। अगर आप 2 से 3 घंटा नहीं भी यहाँ पे बात करते हैं कि अगर सुनते हैं फिर भी म्यूज़िक, तब भी यहाँ पे चीज़ होता है। तो यहाँ पे फाइनली यहाँ पे फिफ्थ सेंटेंस जो हो गया फॉर एग्जांपल का हो गया, और ये हो गया फोर्थ सेंटेंस। अब इस तरह से आपने सजा लिया कि भाई यहाँ पे अगर ABCD इस तरह से अगर हो गया कि आपका फर्स्ट पार्ट कौन है, सेकेंड पार्ट कौन है, थर्ड पार्ट कौन है, फोर्थ पार्ट कौन है, फिफ्थ पार्ट कौन है। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फाइव, यहाँ पे पार्ट अगर आपको क्लियर हो गया होगा, तो अब हम चलेंगे यहाँ पे इसके क्वेश्चन को, जो 5 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम पे, इसी बेस्ट आराम से यहाँ पे सॉल्व किया जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, किसी भी पारसिम्बल को करने के लिए हमें क्या ढूंढना होता है, सबसे पहले इंडिपेंडेंट एक सेंटेंस ढूंढना होता है, या जिसे कहते हैं नाउन, देन उसके बाद आपका प्रोनाउन और सेंट्रल पार्ट होता है, सेंट्रल पार्ट के बाद उससे रिलेटेड जो सेंटेंस होते हैं, और फाइनली जो होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल फाइनली इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं जो लास्ट में आते हैं, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक, अब देखिए फर्स्ट में आते कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकंड सेंटेंस आफ्टर रीअरेंजमेंट। अब सेकंड सेंटेंस हमें पता है कि ए नंबर ऑप्शन है, यहाँ पर टिक कर लेंगे। ठीक, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थर्ड, ठीक है, थर्ड सेंटेंस आफ्टर रीअरेंजमेंट, थर्ड की बात करिए, थर्ड हमें पता है कि ई पार्ट वाला है, ठीक है, तो यहाँ पर टिक कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट सेंटेंस आफ्टर रीअरेंजमेंट, फर्स्ट सेंटेंस की बात की गई है, तो फर्स्ट सेंटेंस हमारा कौन सा है, फर्स्ट सेंटेंस हमारा सी नंबर पार्ट, टिक कर लेंगे। ठीक, फिर क्या है नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लास्ट सेंटेंस आफ्टर रीअरेंजमेंट, लास्ट सेंटेंस हमें पता है कि बी नंबर ऑप्शन है, यहाँ पे फिफ्थ में लिखा हुआ है। एंड लास्ट वन क्वेश्चन का है जो कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फोर्थ, यहाँ पे फोर्थ कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ टिक के बाद यहाँ पे एच आप ऐड कर लीजिएगा, फोर्थ, फोर्थ सेंटेंस आफ्टर रीअरेंजमेंट, फोर्थ सेंटेंस कौन सा होगा, डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे होगा। तो गाइस कितना आसान से, मैं यहाँ पे समझता हूँ कि 2 से 3 मिनट ही लगे होंगे। ठीक है,
2 से 3 मिनट ही लगेंगे आपको इसे सॉल्व करने में। यहाँ तो मैं मुझे समझाना था इसलिए थोड़े ज़्यादा समय यहाँ पे देना पड़ा ताकि आपको